हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे देवी चंद के बारे में, जो कि चंद्र राजवंश का 54वां शासक है। इसका शासनकाल 1720 से 26 तक रहा। देवी चंद के शासनकाल में चंद वंश का अवलंती काल शुरू हो जाता है। अवलंती काल यानी विनाश। विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवी चंद ने बहुत सारा धन बर्बाद किया, इस कारण इसे कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसने इसके जो राजखाने में जो धन था, है ना, सोना चांदी जो भी रहा होगा, इसने सारा वो जनता में बांटना शुरू कर दिया। यानी विक्रमादित्य बनने के चक्कर में इसने पूरा राजकोष खाली कर दिया अपना। इसको कुमाऊं का मोहम्मद तुबलक भी कहा जाता है। देवी चंद ने रोहिला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त किया। जो रोहिला सरदार था दाऊद खान, उसको भी इसने अपना सेनापति बनाया। मतलब एक राजा तो जो था, इसने अपने राज शासन में पूरा वो खाली कर दिया अपना राजकोष। ठीक है, अजीत चंद, इसके बाद अजीत चंद आता है। 1726 से 29 तक इसका समय रहा, 55वां शासक था। अजीत चंद मूलमल तथा माणिक चंद गेंडा विश द्वारा बनाया गया एक कठपुतली राजा था। अजीत चंद को किसने बनाया था राजा? गेड़ा विष्ट, माणिक चंद गेड़ा विष्ट और अजीत चंद पूर्णमल ने बनाया था। तो ये उन्हीं के इशारों पे नाचता था। मतलब जैसे ये दोनों बोलते थे, ये वैसा ही काम करता था, अपने आप से कुछ भी नहीं करता था। गेड़ा विष्ट द्वारा किए गए कुप्रत्य गेड़ गर्दी द्वारा प्रसिद्ध है, जो मुख्यतः अजीत चंद के समय प्रसिद्ध है। जो गेड़ा गर्दी हुई थी वो ये प्रसिद्ध है, तो ये अजीत चंद के समय प्रसिद्ध है। तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में हमने कवर कर लिया है। अब है अगला जो राजा है, उसके बारे में बहुत सारा है पढ़ने।